स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मंत्र पर उपस्थित पूज्य संत श्री श्री त्यागी जी महाराज, पूज्य संत श्री प्रेमराज जी महाराज, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी सीतापुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी श्री राजेश वर्मा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री ज्ञान तिवारी जी, हमारे विधायक विश्वासी श्री निर्मला वर्मा जी, महमूदाबाद से श्रीमती आशा भोले जी, पूर्व विधायक सुनील वर्मा जी, जिला प्रभारी नीरज सिंह जी, लोकसभा के प्रभारी श्री दिनेश तिवारी जी, लोकसभा के संयोजक अजय गुप्ता जी, जिला उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सीतापुर संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सीतापुर सेता विधानसभा क्षेत्र के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे भारत के इतिहास को लिखने वाले निष्पक्ष करने वाली पावन धारा सीतापुर में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहन और भाइयों, सीतापुर और सेता का इतिहास ही है कि जब भी मेरा आगमन हुआ वह भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ बना, क्योंकि आपका आशीर्वाद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को प्राप्त होता है। आज मुझे फिर से संजोगी में से कहूंगा, इस लोकसभा क्षेत्र की मेरी सभा यहां पे हो रही है। मुझे याद है 2017 में यहां पर श्रीकांत तिवारी जी के लिए सभा करने के लिए आया था, और आपने आश्वस्त किया था कि हर हाल में श्रीकांत तिवारी जी विधायक बनेंगे। और बहनों भाइयों, आपका आशीर्वाद मिला, ज्ञान तिवारी जी आप विधायक बने और ज्ञान जी ने राजेश वर्मा जी के साथ मिलकर यहां की बाढ़ की समस्या का समाधान करने में लगभग पूरी सफलता प्राप्त कर ली है। यहां के गरीबों को देश के अंदर सबसे अधिक आवास अगर कहीं मिला है तो सेता विधानसभा क्षेत्र और सीतापुर जनपद में मिला है। बहनों भाइयों, सर्वाधिक शौचालयों का निर्माण गरीबों का कहीं हुआ है तो सेता विधानसभा क्षेत्र और सीतापुर जनपद में हुआ है। सर्वाधिक किसान सम्मान निधि का लाभ कहीं मिला है, सीतापुर जनपद में प्राप्त हुआ है। और बहनों भाइयों, विकास की मुख्य धारा के साथ साथ आपकी विधानसभा आपका जनपद जुड़ा है, है श्री ज्ञान तिवारी को श्री राजेश वर्मा को प्राप्त होगा, लेकिन इसके वास्तविक हकदार आप हैं, क्योंकि उनको आपने चुना है। मैं इसका वास्तविक अधिकारी आपको मानता हूं, क्योंकि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने तो उनके साथ साथ विकास भी आपके यहां आती है, गरीब कल्याणकारी योजनाएं भी आपके यहां आ रही है। भाइयों, आज लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण चल रहा है और वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश की भी पशु लोकसभा सीटों का चुनाव चल रहा है। देश के अंदर 94 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। आपके तीसरे चरण के बाद आम लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका होगा, लेकिन बहनों भाइयों, देश में एक ही स्वर गूंज रहा है और वह स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का, मोदी जी को तीसरी बार
आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं आपसे मिल करने के लिए। मेरे भाइयों, पिछले 10 वर्ष में मोदी जी ने देश का काया पलट कर दिया। मोदी जी के नेतृत्व में देश में भाजपा की सरकार और पिछले 7 वर्ष में आपके आशीर्वाद से मोदी जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही प्रदेश की भाजपा की सरकार आज पूरे प्रदेश और देश का काया पलट हो गया। राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ। आप
की सरकार ने लिया सरकार युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। मेरा अनुरोध यह है आप इलेक्ट्रिक बस सेवा को सीतापुर के साथ जोड़ने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रहे हैं। सीतापुर के हॉस्पिटल की समस्या का समाधान भी कर दिया गया है। पहला मजल यह है आज तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। देश ने 70 वर्षों में जितना निर्माण कार्य किया है मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष में, उससे दोगुना कार्य आप देश के अंदर दिखाई दे रहा है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई गिनती नहीं। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पाकिस्तान का हिमायत करने वाले, पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोगों को बताइए कि भारत को तोड़ करके जो पाकिस्तान आज बना था, आज वहां लोग भूखो मर रहे हैं, भूखो मर रहे हैं। देख रहे हैं एक किलो आटा के लिए कैसे छीना शक्ति होती है। भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। बहनों भाइयों, 7 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं फ्री में उपचार, 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार। और हमने तो उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की है, हमारा विधायक, हमारा सांसद, हमारा कोई पदाधिकारी अगर किसी गरीब के बारे में लिखता है किसके बीमार है, उपचार की सुविधा नहीं है, उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। पत्र जैसे आता है या पीड़ित भी पत्र भेजता है, हम उसको पत्र भेज के कहते हैं निश्चित होकर के उपचार कराइए, आप कौन पैसा भेज रहे हैं उसके चंदन अकाउंट में पैसा भेज देते हैं। उपचार होता है सैकड़ों लोगों को ज्ञान बीमारी के लिए पैसे पैसा दिलवाए हैं। राजेश वर्मा ने पैसा दिलवाए हैं, हमारे गरीब विधायक का पैसा दिलवाए हैं, क्योंकि गरीब की पीड़ा के सामने लोग खड़े होते हैं। और नहीं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में यही पैसा वे लोग भड़क जाते थे, गरीब का यही पैसा बन जाते थे, गरीब का ये राशन खा जाते थे। आज तो बहनों भाइयों आपने देखा होगा किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है, गरीब के घर में शौचालय बन गया है, गरीब के घर में रसोई गैस का सिलेंडर मिल गया है। और हम लोगों ने तो यूपी में यही व्यवस्था की है कि होली और दीपावली को उज्ज्वला योजना की हर परिवार को एक एक फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने की योजना। बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी ब्याह के योग्य होने पर सारा खर्चा सरकार उठा रही है, सारा खर्चा सरकार उठा रही है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक 25,000 रुपए और शादी के योग्य होती है 51,000 रुपए सरकार कन्यादान के लिए भी उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। सामूहिक विवाह योजना उसका उदाहरण आपके सामने है। बहनों भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। और बाकी मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं जितने लोग बचे हैं इन सबको एक एक मकान जरूर देंगे, जितने भी गरीब बचे हुए कोई छूटेगा नहीं। 70 वर्ष के हर बुजुर्गों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान का कार्ड भी उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दे दिया है कि हमारा घोषणा पत्र, हमारा संकल्प पत्र उन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देगा। बहनों भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा भी दे रही है, सम्मान भी दे रही है, आपके लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी लेके आ रही है, आपका विकास भी कर रही है और विरासत को भी आगे बढ़ा रही है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया ना, अब कोई किसी प्रकार का कोई संदेह? कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई ना, अरे यही सीतापुर जनपद है, यही के माटी का दास कैप्टन मनोज पांडे कारगिल युद्ध का है, जो कारगिल में दुश्मनों का छक्का छुड़ाते छुड़ाते जिन्होंने बहादुर सैयद बहादुर प्राप्त की थी, ऐसे परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे के पावन धरा है, परमवीर चक्र
हुआ था। और बहनों और भाइयों, उन्होंने लड़ते लड़ते देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे और कारगिल में विजय श्री का हरण किया था भारत ने। आप मुझे बताओ, ये कांग्रेस और सपा के लोग आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, क्या आप उनका समर्थन करेंगे क्या? ये राम मंदिर का विरोध करते हैं, क्या आप उनका समर्थन करेंगे क्या? ये गौ कसी का गौ हत्या का समर्थन करते हैं, क्या आप उनका समर्थन करेंगे क्या? ये अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण और सेल लगाना चाहते हैं, क्या तबीब को समर्थन मिलना चाहिए क्या? और भाइयों, कांग्रेस सपा ये दिल्ली गठबंधन जो है ना, यह देश की एक समस्या है, एक बीमारी है। बीमारी, इस बीमारी को जितनी जल्दी दूर दूर कर देंगे उतनी जल्दी भारत विकसित भारत बन जाएगा। विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान आत्मनिर्भर, उसके हाथ को कार्य होगा, रोजगार होगा और महिला आत्मनिर्भर स्वावलंबी होगी। 3 करोड़ ड्रोन दीदी लखपति दीदी के रूप में बनाने का प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है। अगले ही कुछ वर्षों में आप देखना 3 करोड़ महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन की ओर से आगे बढ़ाने का काम पेट्रोल इंजन सरकार करेगी। बहनों और भाइयों, यही नहीं, किसान खुशहाल होगा, व्यापारी खुशहाल होगा, यही अनुमान नहीं। समाजवादी पार्टी नौजवानों के हाथों में तमंचे लहराती थी, आज हमने इन नौजवानों के हाथों में टैबलेट दे दिया है। टैबलेट स्मार्ट यूज होगा हमारा। समाजवादी पार्टी के समय में बेटी भी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था। आज बेटी को सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो गया है। व्यापारी से कोई रंगदारी नहीं ले सकता, व्यापारी को पीएम समिति के साथ जोड़ दिया गया। और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकल गई है। आप देख रहे होंगे ना, ये समाजवादी पार्टी के लोग राम का विरोध करते हैं, राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, राम भक्तों के मरने पर खुशी मनाते हैं। और जब बहन और भाइयों, आपने देखा होगा एक माफिया की मौत पर कैसे घड़ियाली आंसू बहाते हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं का इस आपने देखा होगा। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, सुरक्षा का वायदा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा और विकास के जिन मुद्दों को लेकर के आपके बीच मोदी जी के नेतृत्व में आई थी, उन मुद्दों को बखूबी उसने आगे बढ़ाया है। और आज जब हमें आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करना है तो विकसित भारत के लिए मोदी फिर से आवश्यक है। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है। और इस विकसित भारत के लिए अगर मोदी जी तीसरी बार आवश्यक है तो सीतापुर के लिए सीतापुर का भी इसमें योगदान होना चाहिए, होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। और इसके लिए श्री राजेश वर्मा जी आवश्यक है। राजेश वर्मा जी को चुनाव करा के भेजेंगे, भेजेंगे। लेकिन इसके लिए बहनों और भाइयों, आपको घर घर जाकर के लोगों से 13 मई के लिए वोट डालने के लिए बोलना पड़ेगा। जैसे आप बोला है अभी तक लगभग 40% वोट पड़ चुका है, लगातार लोग वोट दे रहे हैं, कमल चुनाव चिन्ह की तरफ सारे लोग, महिला पुरुष नौजवान सब का उत्साह है। सब लोग कह रहे हैं कि गरीब बार मोदी सरकार और अब की बात 400 पार है। इस वर्ष के साथ लोग बढ़ रहे हैं, आप भी होंगे ना, आप भी जाएंगे ना इसी के साथ, राजेश जी को चुनाव चला के बैठेंगे। लेकिन इसके लिए घर घर जाना होगा, एक एक मतदाता को बोलना होगा कि गरीबों के लिए देसी सरकार मोदी जी की भाजपा की सरकार है, सुरक्षा देने वाली सरकार बीजेपी की सरकार है, अयोध्या में राम को लाने
चुनाव के बाद एक बार बाकी लोग जो बचे हैं उनको भी अयोध्या का दर्शन जरूर करवाना। नई अयोध्या है, एकदम नई अयोध्या। ऐसे लगता है जैसे त्रेता में प्रभु राम के समय की अयोध्या फिर से वापस आ गई है। और एक काम करो, भाजपा करा सकती है, कांग्रेस और सपा के लोग तो राम द्रोही है। और इसलिए बहनों भाइयों, 13 मई को श्री राजेश वर्मा जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजय बनाने की अपील आप सबसे करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय।